आज तो हमने मारा है छुट्टी एक खास वजह से, जो कुछ देर में सुनाऊंगा आपको, लेकिन अगर रुका नहीं जा रहा है तो इस टाइम पे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। और जिनको कोई जल्दी नहीं है, आइए आज का दिन साथ निकालते हैं। काम वाम नहीं करना है आज, तो मन किया कि घी मैसूर पाक खाया जाए। कहा कि बड़े दिन हो गए और चलो घी मैसूर पाक ले आए, क्योंकि पेरिस में मिलता भी है अच्छा घी मैसूर पाक। ये वाला जगह इतना खाली कभी नहीं मिलता है, दोपहर में आने के यही फायदे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर दुकानों में तमिल ही चलता है। और घी मैसूर पाक बोल रहे हैं, मैसूर पाक बोल रहे हैं। एक मिनट, ये लड़कियां मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? बात यह है कि मुझसे पहले दुकान में दो लड़कियां थी जो काफी परेशान लग रही थी। कार्ड पेमेंट तो मिनिमम 5 यूरो का होता है और इन्होंने 4 यूरो का सामान खरीद रखा था। अब होता है ना कि हम किसी जापानीज या कोरियन दुकान जाते हैं तो पता नहीं चलता कि लें क्या। इनका यही हाल हो रखा था मेरे मनपसंद घी मैसूर पाक वाले दुकान। मैंने कहा घी मैसूर पाक ले लो, लड़कियों ने खरीद लिया और वो चले गए। फिर मैंने अपना सामान खरीद लिया, रेंड गुलाब जामुन पोटेंगा, फिर रेंड क्रीम गुलाब जामुन। और निकलते वक्त मैंने देखा कि दोनों लड़कियां बाहर बैठ के कहा ही रही थी अपना घी मैसूर पाक। किसको जाना है पास? Merci beaucoup, bonjour. I'm just gonna take the same bike that I used, and I know it's always my bike because my bike has the longest seat. चलो भाई, अब चलते हैं घर और आपको सुनाते हैं जो सुनाना था आज। कुछ महीनों पहले मैंने डच सीखना शुरू किया। अब ऐसी भी बात नहीं कि मुझसे होगा नहीं, अंग्रेजी बोल लेता हूँ, हिंदी आती है थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ, कनाडा घर वालों के साथ तमिल बोलता हूँ, फ्रेंच आती है ठीक ठाक, उर्दू थोड़ा बहुत हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन जर्मन मैंने बहुत कोशिश किया है। बैक इन द डे मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि चलो वीडियो लगा देते हैं, अब तो रेपिटेशन पे आ गया। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कोशिश हुई और नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो की है और नहीं हो पाया। ऐसा भी नहीं कि मैं इतने सालों से सिर्फ जर्मन ही कर रहा हूँ, दूसरी भी चीजें हैं कि जो चल रही है लाइफ में, जॉब का सीन चल रहा है, घर का माहौल शिफ्ट हो रहा होता है, ये सब भी चल रहा है, साइड में जर्मन चल रहा था। और ऐसे बहुत सारे महीने थे जहां पर जर्मन कुछ भी नहीं हो रहा है, और मैंने सोचा चलो सिंप्लीफाइड वर्जन करते हैं। जर्मन का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है डच, ग्रामर काफी ज्यादा आसान होता है। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीद ली डच की, मतलब मैंने तैयारी शुरू कर दी 2021 के अंदर कैसे करें कि डच सीख जाए। आजकल का जो मेहनत चल रहा है वो मैं तुम लोगों को दिखा दूं। शाम को 4 बजे थोड़ा बहुत डच प्रैक्टिस करता हूँ, हर रोज नहीं हो पाता है, कुछ कुछ दिन मीटिंग्स रहते हैं। आज शाम को मैं पेरिस घूमने चला गया था, धूप निकली हुई थी, ठंडी के मौसम में मन किया तो मैं चला गया। पिछले क्रिसमस मुझे एक गिफ्ट दी गई थी, ये एक कॉमिक स्ट्रिप है, बहुत फेमस कॉमिक स्ट्रिप है नेदरलैंड्स की, फोका एंड सुका बोलते हैं इसे, कम वर्ड्स हैं, थोड़ा जोक है इसके अंदर, गूगल ट्रांसलेट से 2-3 शब्द तो दिन में सीख सकता हूँ। लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें, अगर किसी डच आदमी के साथ मुझे डच में बात करनी है, अभी भी मेरा लेवल 0 का 0 ही है, 4-5 शब्द आते हैं, लेकिन किसी का कॉन्वर्सेशन सुनूं, कोई कुछ मुझे पूछेगा, मुझे खाक समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है भाई साहब। अब इतना बहुत मेहनत कर ही रहा हूं तो मैं सोचा आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूं कितना डिस्पेयर चलता है इसके अंदर, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जब दिखता है तब लगता है कि या तो यार इसका आदमी ही तेज है, बंदा ही तेज है, इससे तो कुछ भी हो जाएगा, या तो लगता है कि अनसरमाउंटेबल फीट है ये, 2-3 साल सिर्फ डेडिकेट करके लैंग्वेज ही लैंग्वेज करना है तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। डिस्पेयर वाला बात तो सोचा मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, इतने महीनों से हाथ पैर लगा रहा हूं, नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पा रहा है। फ्रेंच में क्या कहता है, यहाँ पर आने के बाद स्कूल वूल तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने स्कूल और इंटर्नशिप के बीच में मैं चला गया था फार्म, फ्रेंच फार्म था जहां पर लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते, उनका अंग्रेजी तेज नहीं थी, समझ सकता हूं कि फार्म की वजह से मेरा फ्रेंच तेज हुआ। अब फ्रांस के अंदर घूमना तो रिलेटिवली आसान है, लेकिन बाहर जाना, इंडिया जाना, नेदरलैंड जाना, छुट्टी इतना बच रहा है तो नेदरलैंड्स नहीं जा सकते, तो फ्रांस के अंदर कोई डच फार्म ढूंढते हैं। तो मैंने ढूंढ निकाला एक डच फार्म, बातचीत वगैरह हो गया है उनसे व्हाट्सएप पे, और इस साल के अगस्त में जाने का प्लान चल रहा है। वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, और ये जब वो लोग आपका कंफर्ट लैंग्वेज बोलता रहा तो ये मतलब बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि 6 महीने तक नेदरलैंड्स में मैंने इंटर्नशिप किया था, तभी भी थोड़ा हाथ पैर मारा था कि डच हो जाए, यहाँ पर आया है, जितने दोस्त लोग बने थे आसपास में उनसे थोड़ा बातचीत, थोड़ा डच में कोशिश किया था, नोटबुक में मैंने ग्रामर के रूल वगैरह लिखे, ये सब किया है मैंने, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि डच वाले ना अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रांस में कम से कम का अंग्रेजी उतना तेज नहीं है, तो आपको फ्रेंच बोलना मजबूरी हो जाता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि आपको डच समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लाइफ आसान करने के लिए वो आपसे अंग्रेजी में, एक अल्बर्टाइन बोल के है, जैसा हमारा कारफूर होता है फ्रांस में, इंडिया में बिग बाजार मान लो, मैं हर रोज कुछ ना कुछ खरीदने जाता था, आज तो एक टमाटर खरीद के आते हैं, थोड़ा थोड़ा डच बोल लूंगा, एक टमाटर खरीद के आते हैं। तो मैं जब ऐसा नॉन पिक आवर में जाता था और मैं उसको बोलता था कि बहन मुझसे
डच में बोल, मुझे डच सीखना है। वो कोशिश करती थी लेकिन मेरा लेवल इतना घटिया था कि वो क्रेजी में बोल लेती थी। था कुछ मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है डच का वहां पर, तो इसी बात का डर है कि मैं फार्म जाऊंगा तो उधर मेरा अंग्रेजी में बात हो जाएगी, फ्रेंच में बात हो जाएगी, डच का बिल्कुल जीरो का जीरो रह जाएगा। क्योंकि वो लोग भी अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, आप अपने अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी रहते हैं। मैं वहां पर दिन में 4 घंटे काम करूंगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई पढ़ा है, उसके बाद अगस्त में जाने का प्लान है। तो अगस्त के अंदर मैंने मेरा लेवल जीरो का जीरो रहा वहां पर, मैं 1 महीने मतलब 3-4 हफ्ते मान लो रह के आ जाता हूँ और मेरे से नहीं हो पाया अगर, फिर तो भाई बस बोरिया बिस्तर बांधना है, डच बंद करना है, दुकान बंद करना, नहीं हो पाएगा ये हमसे, तुमसे ना हो पाएगा, नाउ और नेवर वाला कंडीशन चल रहा है। अभी 4 महीने में जो करूंगा वही डिट्रीमेंटल होगा। जिस पेस में मैं चल रहा हूँ इससे मैं 100% कह सकता हूँ वो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन 10-20% कुछ अगर मैं बोल सकता हूँ मान लीजिए, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट सिखाएंगे, ठीक है इसका लेवल इतना भी घटिया नहीं है, थोड़ा हम भी हाथ पैर मार लेते हैं, थोड़ा उसको डच में सिखा लेते हैं, 2-3 एक्सप्रेशन स्लोली बोल लेते हैं, आराम से बोलेंगे उसको समझ में आएगा, जितना मेहनत कर रहा हूँ तो ठीक है, उससे ज्यादा मुझे थोड़ा एम्पलीफाई करना होगा। तो हर हफ्ते में संडे को मैं बैठता हूँ शाम को 5 बजे, सोचा तुम लोगों को भी इनवाइट कर लूँ, तुम लोग भी आ जाओ, जूम में लिंक विंक भेजता हूँ, फ्रेंच अगर सीखना है आपको तो आप आ जाए, ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाला सीन हो जाएगा। जो जिम बड़ी कहते हैं कि मेरा दोस्त दीपल एनसीसी जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा एनसीसी, वैसे मार्च पास करने का कोई मन नहीं है लेकिन दोस्त लोग सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो चलो हम भी चले जाते हैं, ये वाला सीन हो जाता है। वो फ्रेंच के टाइम के हिसाब से 5 बजे को मिलते हैं, अब के टाइम के हिसाब से 8:30 बजेंगे। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लो। अभी मैं अगर मैं फ्रेंच में बोलूंगा तो ऐसा डीमोटिवेटिंग लगेगा कि इसका फ्रेंच इतना तेज कैसा है, तो मैं अपना डट्स दिखाऊंगा। मोटिवेट हो जाओ कि मेरा भी मतलब लेवल इतना बेकार है, इस लेवल को रख के मतलब इतना स्लो लर्निंग कैपेसिटी रख के भी मतलब बंदा आगे जा सकता है, डच सीख सकता है, तो आप भी फ्रेंच सीख सकते हो। यही जिम बड़ी वाला फंडे से संडे को मिल लेते हैं, बातचीत कर लेंगे। चलिए जी आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे तो बातचीत चलती रहती है। लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो सीखते रहिए, एक ना एक दिन होना ही है।